नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक इन्फो सेंटर। दोस्तों, अभी टेंडर फाइलिंग के लिए कौन सा ब्राउज़र यूज़ करें और किस में स्मूथली होगा, ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है और सभी जो कमेंट्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो यही रिलेटेड आ रहे हैं कि ये ब्राउज़र में ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में सबसे स्मूथली टेंडर फाइलिंग हो जाता था, लेकिन जब से उसका वेब सपोर्ट हट गया है तब से क्या है ना कुछ आप कॉम्प्लिकेशंस उसमें हैं। जैसे कि कभी पेज आप नेक्स्ट सारा कुछ फिल करके नेक्स्ट किया तो वाइट हो गया, कभी जावा रन नहीं किया, कभी पेमेंट गेटवे का स्क्रीन नहीं आया, तो इस तरह का कुछ कुछ कमेंट सब आ रहा है और ये प्रॉब्लम सब है। तो अभी क्या है ना, इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें क्या है ना मोजिला का सेटिंग किस तरह से करना है और उसमें टेंडर फाइल होगा मैं बताया था, ठीक है। लेकिन लाइव आप लोगों करके मोजिला फायरफॉक्स में नहीं दिखाए थे, लेकिन उसी सेटिंग पे उसी वर्सन पे अभी मैं टेंडर फाइल करके देखा, वो स्मूथली हो गया और कुछ भी एरर या तो कुछ भी हैंग होना या तो कुछ ऑप्शन नहीं आना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्मूथली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टेंडर फाइल हो गया, टेंडर सबमिट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप भी मोजिला का इसी वर्सन को इंस्टॉल कीजिए, सेटिंग जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ वैसे सेटिंग कर लीजिए और स्मूथली आप भी टेंडर फाइल कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में अभी तक जावा एनवायरनमेंट वो लोग एक्टिव किए नहीं है और जब तक जावा एनवायरनमेंट एक्टिव होगा नहीं उसमें टेंडर फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जावा का बहुत बड़ा रोल होता है अपलोडिंग के लिए, सिग्नेचर के लिए, साइनिंग के लिए और दिस थिंग्स। तो तब तक क्या करेंगे ना हम लोग, जब तक उसमें एक्टिव हो नहीं जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे मोजिला में ही टेंडर फाइल करेंगे। स्मूथली हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आज सोचा कि ये चीज़ आप लोगों को भी मैं बता दूं कि मोजिला में भी हम सिर्फ बताया है और नहीं हो रहा, आप लोगों का ऐसा नहीं है, मैं बताया हूँ और उसमें हो भी रहा है सक्सेसफुली, वो चीज़ आप लोगों को अब दिखा देता हूँ ताकि आप लोग और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आप भी बिना मतलब हिचकिचाहट के आप भी मोजिला फायरफॉक्स में टेंडर फाइल करेंगे। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं कि किस तरह से करना है इसे। तो यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर लिए, जो वर्सन में इंस्टॉल किया था ये नॉट नाउ कर दीजिएगा क्योंकि ये सेट डिफॉल्ट नहीं करना है मुझे, और भी ब्राउजर है। और जो टेंडर का जो वेबसाइट होता है एड्रेस बार में सारा डिटेल तो बता दिया हूँ, tender.odisha.gov.in होता है, सर्च कर दीजिएगा। राइट तरफ देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ लॉगिन करके अपना जो टेंडर का क्रीडेंशियल है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो यहाँ पर फीड करना है। मैं ऐसे यहाँ पर फीड कर रहा हूँ और उसका पासवर्ड भी क्लियरली लिख देना है, ये मैं थोड़ा सा टाइप कर लिया सारा। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिएगा, उसके बाद जो ये कैप्चा है ना वो कैप्चा को एग्जैक्ट से केस सेंसिटिव होता है इसलिए कैपिटल और स्मॉल देख के फिट करिएगा, ठीक है। उसका प्रोसीड में क्लिक कर देना आपको। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका अगर सारा सेटिंग सही होगा तो यहाँ पर आपका ना वो बटन के लिए जावा रन ऑप्शन एक्टिव होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा। देखिए ये जावा रन के लिए आ रहा है ना, तो आप रन में क्लिक करिएगा, ये जब भी स्क्रीन आएगा रन में कर दीजिएगा। देखिए लॉगिन बटन एक्टिव हो गया, मैं क्लिक कर दिया हूँ। वहाँ पर क्लिक करने से आपको आपका जो DAC का उसका पासवर्ड यहाँ पर डालना है, डिजिटल सिग्नेचर का, वो पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल दिया, अभी लॉगिन में क्लिक कर दिया। ये लॉगिन में क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो इंटरफेस है वो लॉगिन हो गया, आ गया। अभी सर्च एक्टिव टेंडर में जाके जो भी टेंडर आप डालना चाहते हैं उसका कीवर्ड यहाँ लिख दीजिए, वर्क नेम जो होता है उसका कुछ भी शॉर्टकट लिख दीजिएगा, कोई भी कीवर्ड वहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दिया। जो भी क्लाइंट का जो वर्क टेंडर डालना है उस टेंडर का नाम यहाँ पे मैं लिख दिया वर्क टाइटल में, उसके बाद सर्च में क्लिक कर दिया तो उस रिलेटेड जो भी है काम वो निकल जाता है। उसके बाद ये चेकबॉक्स में क्लिक करके सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट में क्लिक कर देना है, उसके बाद माई टेंडर में क्लिक कर देना है, उसके बाद ये व्यू जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए उसमें क्लिक करेगा तो टेंडर का डिटेल सारा आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रॉल अप करके आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन में क्लिक कर दीजिएगा तो उसका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, आई एग्री में क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद स्क्रॉल अप करके आपका GST नंबर का ऑप्शन दिखा रहा होगा तो सेलेक्ट करके नेक्स्ट, उसके बाद अभी यहाँ आया पेमेंट के बाद पे ऑनलाइन में क्लिक कर दीजिएगा। ऑनलाइन करना ICICI बैंक का गेटवे है, क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है, उसके बाद इसको स्क्रॉल अप कर दीजिएगा, फिर एक्सेप्ट कर लीजिएगा टर्म्स कंडीशन, ओके में क्लिक कर देना है, ठीक है।
उसके बाद पेमेंट गेटवे आ गया। यहाँ पर आपका जो है वो बैंक में नेट बैंकिंग है, वो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं HDFC कर दिया, मेरा HDFC में है। फिर उसका प्रोसेस है ना, उसके बाद ये आपका ID पासवर्ड जो भी आपका बैंक का डिटेल है वो यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद उसका जो भी पासवर्ड है, ये पेज लोड होने में टाइम लग रहा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। उसके बाद उसका पासवर्ड वहाँ पे आएगा, पासवर्ड जो भी आपका है यहाँ पे डिटेल फिट कर लीजिएगा। आपका जो भी बैंक होगा उस बैंक का कीजिएगा। ये पासवर्ड ID देने के बाद देखिए कंफर्मेशन मांग रहा मेरा, आपका भी कंफर्मेशन मांगेगा। फिर OTP जाएगा, आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड है उसमें OTP गया। OTP यहाँ पे आप डालेंगे। OTP डालने के बाद क्या होगा, ये OTP आया नहीं अभी तक, ठीक है। OTP यहाँ पे फिट कर दिया, उसके बाद सबमिट करेंगे और क्या, नॉर्मल जो पेमेंट का प्रोसीडर होता है वही है बस। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आ गया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आया अभी डॉक्यूमेंट एनक्रिप्ट एंड अपलोड में क्लिक करके, क्लिक हियर टू अपलोड में क्लिक करेंगे। तो जिस तरह से जो जो डॉक्यूमेंट पहले प्रिपेयर किए हैं हम लोग, PDF जो क्रिएट करके रखे हैं आप, अलग अलग पैन, रजिस्ट्रेशन, एफिडेविट, नॉरिलेशन, वो सारा चीज़ आप जो सेव करके रखे हैं वो यहाँ पर एक एक करके आपको क्या है ना सेलेक्ट करके उस फाइल को अपलोड यहाँ पे करना है। जैसे कि पहला एफिडेविट था, एफिडेविट वो अपलोड कर दिया, क्या होगा ना अपलोड होने के बाद ऐसे ग्रीन मार्क आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा अपलोड के नीचे। उसके बाद नेक्स्ट में जो भी है पैन रिलेटेड जो है, फोल्डर का नाम अच्छा से दीजिएगा ताकि दूसरा गलत ना अपलोड हो जाए। उसके बाद कोई भी सपोज यहाँ पे 3 एफिडेविट है तो उसके अंडर में क्या आएगा, तो उसमें करने के लिए वो उस माउस पॉइंटर उसके ऊपर में थोड़ा देरी ला के आप अगर रखेंगे ऐसे, तो क्या होगा ना नीचे में पूरा उसका डिटेल लिख देगा कि इसमें क्या चीज़ को अपलोड करना है। देखिए एफिडेविट रिगार्डिंग नो रिलेशन सर्टिफिकेट, तो एफिडेविट तो 3-4 टाइप का होता है, तो उसमें नो रिलेशन डालना है बोल के उसमें पता चलेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे नो रिलेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और इसे सारा सिमिलरली इसमें सब जितना है ना सबका उसी तरह से आपको ब्राउज करके अपना कंप्यूटर का लोकेशन में जाके क्लिक करके आपको यहाँ पर सारा लाना है, ठीक है। BOK का ये देखिए, BOK अपलोड करने के बाद देखिए साइन इन अपलोड में क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर से आपका वो DSC पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। DSC पासवर्ड आप डाल दीजिए, फिर लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद एक मैसेज आएगा, पैकेट विद डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। नेक्स्ट में आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद लास्ट में स्क्रॉल अप करके सबमिट एंड फ्रीज बिड, इसमें क्लिक कर देने से आपका टेंडर फाइल हो गया, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इसका एक प्रिंटआउट कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। बस यही है प्रोसीजर। देखिए एक भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया, स्मूथली सारा हो गया। मैं इसे प्रिंट कमांड दे दिया, ये प्रिंट हो गया। देखिए ये प्रिंट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिना कॉम्प्लिकेशंस का देखिए सारा टेंडर फाइलिंग स्मूथली हो गया। तो ये आप भी करेंगे हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ असुविधा होता है तो आप कमेंट में क्या है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर और पर्पस, किस टाइप का असुविधा हो रहा है वो लिखिएगा, ताकि हम AnyDesk में आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इतना कर सकते हैं। और देखिए ये वीडियो बहुत ही फास्ट दिखाए, तो जो लोग नए हैं ना तो इस वीडियो में क्या है ना उनको जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ पाएगा स्टेप सब, क्योंकि लंबा नहीं किया, फटाफट उसको स्किप कर दिया क्लिक कर करके, बस उस ऑप्शन में क्या है नहीं है वो डिटेल नहीं बताया। तो इससे पहले वीडियो एक डिटेल टेंडर कैसे फाइल करेंगे ऑनलाइन टेंडर फाइलिंग, उसका प्रोसेस पूरा डिटेल में किस ऑप्शन में क्या फिल करना है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके, पब्लिक इन्फो सेंटर, उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद टेंडर फाइलिंग एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें जाने के बाद देखिएगा ऑनलाइन टेंडर फाइलिंग प्रोसेस, उस वीडियो को डिटेल एक बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये सब स्टेपिंग के लिए। उससे पूरा होगा वो सेम है फाइलिंग करना, खाली थोड़ा बहुत लॉगिन के टाइम में इंटरफेस बदला है और कुछ नहीं बदला है, तो ये आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग जान गए होंगे कि किस तरह से मोजिला में भी टेंडर फाइल करेंगे, और इसका जो सेटिंग है वो इससे पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, है ना, उसमें लिखा हुआ सुइटेबल ब्राउजर फॉर टेंडर फाइलिंग, ठीक है। तो वो आप सेटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप टेंडर फाइल करिए, स्मूथली हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।